हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वेयर बेल्ट रिपेयरिंग प्रोसेस ऑन टेम्पोररी बेसिस। देख रहे हैं बेल्ट में थ्रू आउट कट हुआ है, तो आगे देखेंगे इसको कैसे रिपेयर किया जा रहा है। बेल्ट में जो रिपेयरिंग का काम होता है वो होता है पैच। ये पैच कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। जहाँ टेम्परेचर यूज़ करके पैचिंग किया जाएगा उसको हम लोग हॉट पैच कहते हैं, और जहाँ में टेम्परेचर यूज़ नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसीड्योर में होता है, तो उससे कहते हैं कोल्ड पैच। तो यहाँ जो पैच होने जा रहा है ये है ग्रूव कोल्ड पैच, क्योंकि यहाँ स्प्लाइसिंग करके बेल्ट में ग्रूव किया गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रूव कोल्ड पैच। ये ग्रूव कोल्ड पैच में क्या होता है, बेल्ट का जो दोनों साइड में स्प्लाइसिंग किया जाता है वो सिंगल प्लाई या डबल प्लाई स्प्लाइसिंग करने के बाद वहाँ अलग से एक प्लाई को पेस्टिंग किया जाता है। नीचे से भी सिंगल प्लाई दे सकते हैं ताकि रिटर्न साइड से बेल्ट सेफ गार्ड रहे। वीडियो में देख सकते हैं कि जहां कट हुआ है स्प्लाइसिंग किया गया है उसके चारों तरफ ग्राइंडिंग किया जा रहा है। इसका मेन रीज़न है कि प्लाई में कोई रबर ना रहे। रबर रहने से जो फिलिंग प्लाई है उसके साथ पेस्टिंग ठीक से नहीं होगा, इसीलिए स्प्लाइसिंग हुआ एरिया में ग्राइंडिंग किया जाता है। अलग से जो प्लाई पेस्टिंग किया जाएगा उसको भी ग्राइंडिंग कर लिया जा रहा है, वीडियो में देख पा रहे हैं। और ग्राइंडिंग होने के बाद ग्राइंडिंग पोर्शन को प्रॉपरली पेंट ब्रश के हेल्प से क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी रबर डस्ट या कोल्ड डस्ट ना रहे। डस्ट रहने से एडहेसिव का एडहेसिवनेस कम हो जाता है और पैच का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। प्रॉपरली क्लीन करने के बाद एडहेसिव के साथ एक केमिकल मिक्स किया जाएगा जिसे हार्डनर कहते हैं। दोनों को प्रॉपर रेशियो के साथ मिक्स करने के बाद वो बेल्ट में अप्लाई किया जाएगा। सॉल्यूशन को मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन को बेल्ट में अप्लाई किया जा रहा है, देख पा रहे हैं। डबल कोटिंग में सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट अप्लाई करने के बाद थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद और एक कोट दिया जाता है। फिलिंग प्लाई में भी डबल कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, देख रहे हैं। अभी सॉल्यूशन सूख गया है, देखेंगे प्लाई को भी बैठा जाएगा ग्रूव किया हुआ एरिया में। ये जो प्लाई देख पा रहे हैं इसको थोड़ा ओवरसाइज लिया गया है जिसको बाद में ड्रेसिंग कर दिया जाएगा। प्लाई बैठने के टाइम पे प्लाई को वन साइड से अनदर साइड में बैठाया जाता है। देख रहे हैं प्लाई को प्रेस किया जा रहा है एक साइड से अनदर साइड को। ऐसे प्रेस करने का मेन कारण है कि अंदर में कोई एयर स्टक ना रहे। अगर अंदर में एयर रह जाएगा तो दोनों प्लाई के बीच में गैप रह जाता है, जिसके कारण जब बेल्ट रनिंग होगा तो अंदर का एयर स्प्रेड हो जाएगा, उससे दोनों प्लाई में गैप हो जाएगा और पैच अपरूट हो जाएगा। तो यही कारण है कि पैच करने के बाद, पेस्टिंग करने के बाद अच्छे से प्रेस किया जाता है। अगर अंदर में कोई एयर स्टक हो जाता है, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, छोटा सा एक कट लगाया जाता है ताकि अंदर का एयर निकल जाए और पेस्टिंग ठीक से हो। देख रहे हैं एक्सेस जो प्लाई था उसको ड्रेसिंग कर लिया गया है। ड्रेसिंग करने के बाद देखेंगे ग्राइंडिंग किया जाएगा, देख रहे हैं ग्राइंडिंग किया जा रहा है। ग्राइंडिंग करने का मेन कारण है कि बेल्ट का जो सरफेस है और पैच का सरफेस दोनों एक ही सेम प्लेन में रहे, ताकि अप्स डाउन्स रहेगा तो बाद में स्क्रैपर में जाके फंस सकता है, या तो कोई रोलर जैम रहेगा तो उधर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, तो इसीलिए ग्राइंडिंग किया जाता है। एट लास्ट हैमरिंग किया जाएगा पूरे पैच पोर्शन को। वही सेम रीज़न है कि अंदर में कोई एयर स्टक ना रहे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। ऐसे ही होता है ग्रूव कोल्ड पैच। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे चल के और भी वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।